थैंक यू विश्वम जी. आफ्टर दिस वी हैव श्री नारायण दास गुप्ता जी. इन लोकसभा. आई थिंक ही इज इन द लोकसभा. लोकसभा. यस यस प्लीज. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस बिल पे बोलने का अवसर दिया. मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से इस हाउस में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बिल लाए जाते हैं एक किसी न किसी का स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लाए जाते हैं. जैसे अभी मेरे से पूर्व आदरणीय मेंबर्स ने कहा कि बिल जो है जितने जैसे पोर्ट है पोर्ट ट्रस्ट ओरिजिनल मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल था इसको अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया. ट्रस्ट क्यों शब्द हटाया गया इसका जो मेमोरेंडम दिया गया एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि ये क्यों हटाया गया. लेकिन मैं जो समझता हूँ इसमें क्लॉज दी है 5(1)(d) कि डिसक्वालिफिकेशन के लिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो मेंबर जो है उसके बोर्ड पे नहीं जा सकते. अभी हमारे पार्लियामेंट में डिसक्वालिफिकेशन का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है और उसमें ट्रस्ट को एग्जेम्पशन दी गई है. कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उसमें बोर्ड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन सकता है लेकिन यहाँ ट्रस्ट शब्द को इसलिए हटाया गया कि उस एग्जेम्पशन की वजह से यहाँ हाउस का मेंबर उसका नहीं बन रहा. तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है डिफाइंड है उसको जो है यहाँ एग्जेम्पशन पर डाला जाए और यहाँ के हाउस के मेंबर्स को मौका दिया जाए बोर्ड पे बनने के लिए. एक इसमें प्रावधान दिया है क्लॉज 59-60 में कि डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया जाएगा जिसमें जितने कोर्ट के केसेस हैं बजाय कोर्ट में जाने के यहाँ पे अपने आप जो है कोर्ट फाइल के केस फाइल कर सकते हैं और उसका डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ये बड़ा अच्छा प्रावधान है लेकिन इसमें मैं थोड़ा संशोधन चाहूँगा कि इसमें जो है जो पेंडिंग केसेज हैं एज पर ओरिजिनल एक्ट वो केसेज भी इसमें लाने का जो प्रावधान किया जाए कि जितने केस पेंडिंग है दूसरे कोर्ट्स में वो भी यहाँ पे शिफ्ट किए जाए ताकि जो है रिड्रेसल जो है. ऑनरेबल मेंबर यू हैव टू स्टार्ट कंक्लूडिंग. मैं फाइनली ये कहूँगा कि जिस मंशा से बिल लाया गया है कुछ चिन्हित आदमियों को बेनिफिट देने के लिए तो उसको जो है ये इसका मैं विरोध करता हूँ और बिल को जो है इसके विरोध करते हुए हम इससे सहमत नहीं हैं. थैंक यू गुप्ता जी. इसके बाद